हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं वोकम सिंह। तो अपने पढ़ रहे हैं आपकी क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश लिटरेचर। तो जैसे कि आपको पता है, अपने दो चैप्टर कर रहे हैं, कर चुके हैं। एक है आपका टुमारो, दूसरा था आपका वन सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। तो वन सेंटीमीटर में क्या था, वो कहानी थी एक मदर के बारे में जो अपने बेटे के सामने एक आइडियल बिहेव करती है और चाहती है कि उसका बेटा एक सभ्य इंसान बने, एक परफेक्ट पर्सन बने, जो सभी मॉरल वैल्यूज को सीखे, एक अच्छी बातें सीखे, अच्छा इंसान बने, उसमें कोई कमी ना हो, कुछ भी गलत ना सीखे। तो उसके सामने वो वेल बिहेव करती है, टिकट्स भी लेती है, चाहे वो डेली लाइफ में नहीं लेती थी। तो वो सारा वन सेंटीमीटर स्टोरी में एक्सप्लेन किया गया है। तो ताओयिंग के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं कि उसका व्यवहार कैसा था, वो किस तरह की लेडी थी, वो पढ़ी लिखी थी या नहीं। तो ये स्टोरी में अपने डिस्कस कर चुके हैं कि वो पढ़ी लिखी थी। ये बात इससे साबित होती है कि वो लेटर को पहले खुद लिखती है, फिर जो राइटर के द्वारा लिखा गया होता है उसमें से गलतियां भी निकालती है, चेक भी करती है। तो स्वभाव उसका कैसा था, वो कंजूस थी, वो टिकट नहीं लेती थी, वो पैसे बचाती थी जहां से बचते थे, लेकिन अपने बेटे के सामने एक आइडियल बिहेव करती थी। आप ये बता सकते हो कि उसके साथ क्या हुआ मंदिर में, वो टिकट का चक्कर पड़ गया था, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो उम्मीद है कि मैंने जो आपको स्टोरी एक्सप्लेन की है वो बहुत अच्छे से की है, अभी कोई भी क्वेश्चन उसमें से बाहर नहीं रहेगा, फिर भी आपको क्वेश्चन आंसर उसके मिल जाएंगे। तो आज जो स्टोरी अपने पढ़ने जा रहे हैं, आपकी जो थर्ड स्टोरी है, थर्ड चैप्टर बेटा, वो है अ वेडिंग इन ब्राउनविल। Isaac Boshevis Singer। Boshevis Singer। तो इसकी जो राइटर है वो Isaac Boshevis Singer। तो बेटा ये नोबेल प्राइज विनर राइटर हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं, यानी कि नोबेल प्राइज सिर्फ उन्हें मिलता है जो किसी खास एक ईयर में नोबेल वर्क करते हैं, यानी कि आप कह लो भी टॉप होते हैं अपने फील्ड में, वो चाहे लिटरेचर का हो, आर्ट का हो, साइंस का हो, किसी भी तरह का, यानी कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, लिटरेचर, किसी भी फील्ड में, वो अपने अपने फील्ड में अगर वो टॉप हैं तो बेटा उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो ये नोबेल प्राइज विनर हैं Isaac Boshevis Singer, इनको नोबेल प्राइज मिला था बेटा 1978 में। तो उनकी एक लिखी हुई स्टोरी है अ वेडिंग इन ब्राउनविल। तो ये स्टोरी उस समय की है जब हिटलर ने ज्यूश कम्युनिटी पर अत्याचार किए। ज्यूश कम्युनिटी थी जर्मन में, कुछ लोग ज्यूस धर्म से रहते थे, ज्यूज होते हैं बेटा, ज्यूज, जैसे क्रिश्चियंस होते हैं, जैसे हिंदूज होते हैं, जैसे सिख होते हैं, जैसे मुस्लिम्स होते हैं, उसी तरह ज्यूज एक कम्युनिटी है जो आजकल इज़राइल वालों का धर्म बेटा ज्यूज है। ठीक है, तो वो वहां से विस्थापित हुए हुए हैं। ठीक है, एग्जोडस कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ज्यूज कम्युनिटी को, ज्यूश को हिटलर ने तंग किया, उनको मारा, उनको पीटा, काटा, जो भी खत्म कर दिया, एक्सटर्मिनेट कर दिया। तो उनकी जब एक्सटर्मिनेशन की गई बेटा, तो क्या हुआ, उस समय की एक कहानी बताई गई है कि किस तरह वहां का एक आदमी, वो वहां के लोग विस्थापित होकर जब बस गए, कहां बस गए बेटा, वो अमेरिका में जाकर बस गए। ठीक है, तो उस तरह की एक परिवार की कहानी है, एक आदमी की कहानी है, उसको एक्सप्लेन किया गया उस समय की। हिटलर ने उनको बहुत बुरी तरह से वहां के ज्यूश कम्युनिटीज को खत्म कर दिया था, पोलैंड की, जर्मन की। तो उनको वो कहते हैं गैस के चैम्बर्स में, कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद करके रखा जाता था। तो बहुत ही एक दर्द भरी दास्तान थी, तो उससे संबंधित भी थोड़ा बताया गया है। और इसका जो कहानी का, स्टोरी का मेन करेक्टर है वो है बेटा डॉक्टर सोलोमन मार्कोनी, जो एक ज्यूश हैं और पेशे से एक क्या है बेटा,
डॉक्टर हैं, एक ज्यूश हैं, धर्म से ज्यूश हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। ये उनकी स्टोरी है, उनके इर्द गिर्द चलती है। डॉक्टर आइजैक वॉशेविच सिंगर ने इसको लिखा है, अ वेडिंग इन ब्राउन्सविल। तो वो लोग हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स में या तो मार दिए जाते थे, यानी कि जो ज्यूश होते थे उनको तो सीधा ही मार दिया जाता था, उन पर कोई तर्स नहीं किया जाता था। उनको कई बार तो ऐसा कहा जाता था, भाई साहब ऐसे करो अपनी कब्र खोद लो, और उनको गोली मार दी जाती थी। कई बार उनको गैस के चैम्बर में बंद कर दिया जाता था, कई बार उनको आग लगा दी जाती थी, कई बार जिंदा काट दिया जाता था, जिंदा दफना दिया जाता था। जितनी बदतर मौत आप सोच सकते हैं वैसी वैसी मौत ज्यूश को दी जाती थी हिटलर के द्वारा। उसका एक ग्रुप था नाजी ग्रुप, यानी कि उसने अपना ग्रुप बना रखा था, और जो जर्मन में भी नाजी भी नहीं था, ज्यूश को तो मारता ही था, जो नाजी को ज्वाइन नहीं करता था या फॉलो नहीं करता था, एक्सेप्ट नहीं करता था टू बीइंग अ नाजी, उसको भी बेटा मार दिया जाता था। किसके द्वारा? हिटलर या हिटलर की फौज के द्वारा, नाजियों के द्वारा उसको मार दिया जाता। तो एक कहानी है डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन की, जो उस समय विस्थापित हो गए, वहां से माइग्रेट कर गए, अमेरिका रहने लगे बच के, जान बचाकर, क्योंकि जो वहां थे वो तो मारे गए, उनके परिवार के जो मेंबर्स थे वो कत्ल हो गए, उनको गोली मार दी गई, किसी ना किसी तरह मार दिया गया। तो उनकी वाइफ है ग्रेटल, वो जर्मन थी, ज्यूश नहीं थी। ग्रेटल वो जर्मन थी, ज्यूश नहीं थी, लेकिन वो नाजियों को नहीं मानती थी। उसके जो दो भाई थे वो मार दिए गए थे हिटलर की आर्मी के द्वारा। तो ग्रेटल वाइफ थी डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन की, लेकिन उसको ज्यूश चीजें नहीं आती थी, ठीक है। तो वो अमेरिका में रहने लगे थे, और डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन के पास बहुत सारा पैसा था, बिकॉज पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन वो अपने धर्म से संबंधित जो भी लोग थे उनका फ्री में इलाज करते थे। यानी कि वो मॉडरेट, सादा जीवन, उच्च विचार वाला आदमी था, वो अपने धर्म के लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया करता था। तो ग्रेटल भी एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ थी, बहुत ही मॉडरेट ख्यालों वाली, पैसा था, सब कुछ था, धन थी, दौलत थी, कार थी, लेकिन उनको ने कोई नौकर नहीं रख रखा था। वो सब्जियां भी बाजार से खुद खरीद कर लाती थी, यानी कि वो होम डिलीवरी नहीं करवाती थी, खुद जाती थी, खुद पकाती थी, खुद सर्व करती थी, लाइक अ मिडिल क्लास फैमिली। तो समटाइम्स कई बार भी जाना होता तो वो अपनी बड़ी कार में नहीं जाते थे, वो टैक्सी बुक करते थे। कौन? डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन। तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन एंड हिज वाइफ ग्रेटल। ग्रेटल का थोड़ा सा रोल है, लेकिन इसमें जो रोल है वो है बेटा एक लड़की है जिसका नाम है राइजल, ठीक है। डॉक्टर सोलोमन अपनी फैमिली खो चुके हैं, ग्रेटल अपने भाई खो चुकी है, और राइजल एक लड़की थी जो डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन का क्या थी बेटा? फर्स्ट लव थी। ये नाजी, और नाजी नहीं, ये ज्यूश थी, लेकिन इन पर डॉक्टर साहब फिदा थे, लेकिन मैडम जी ने किसी और से शादी कर ली और बेचारों का दिल टूट गया, ठीक है। तो राइजल और उसकी फैमिली को भी बेटा क्या कर दिया गया? शूट कर दिया गया। शी वाज शॉट डेड, उसे गोली से मार दिया गया। किसे? राइजल को। ऐसा सुनने में आया डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन के कि राइजल को गोली से मार दिया गया है। तो दिल टूटा, बाद में और टूटा, तो वो अमेरिका में रहने चले गए, ठीक है। ब्राउन्सविल अमेरिका का ही एक टाउन है बेटा। तो वो जिस टाउन में रहते थे, डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन जैसे मैंने बताया बहुत ही मॉडरेट किस्म के आदमी थे, अपने धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे, उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी एवरी वैल्यू, एथनिसिटी, एवरीथिंग वो अच्छे से फॉलो करते थे। और वो ज्यूश जो अमेरिका जाने के बाद बिगड़ गए थे, अपने धर्म से थोड़े से ऑफ ट्रैक हो गए थे, मिसलीड हो गए थे, मिसगाइडेड हो गए थे, वो शराब पीने लग गए थे, जैसे इसको बुरा माना जाता था कि लड़कियां लड़कियों के साथ नहीं नाच सकती, आदमी आदमी के साथ नहीं नाच सकता, शराब पीना भी गलत बात है। तो वो सारी बुरी आदतें और धर्म से अलग होकर वो जो उसके धर्म के प्रीचर
थी, मतलब उसके जो विचार थे प्रीचिंग्स, उसको अनफॉलो करते थे। इस कारण डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन उन कम्युनिटीज में उनके जो प्रोग्राम थे, उनके जो फंक्शंस थे, उसको भी अटेंड करने से क्या होने लग गए बेटा, परहेज करने लग गए, उसको अवॉइड करते थे। कौन? डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन। यानी कि इनकी सोसाइटी थी सिंसिमन, सिंसिमाइन, तो एक ज्यूइश सोसाइटी थी। यानी कि ग्रुप को अलग अलग सोसाइटीज थी, सिंसिमन सोसाइटी, यानी कि एक समाज एक ग्रुप को नाम दिया जाता है सिंसिमन सोसाइटी, ठीक है। तो ज्यूइश सोसाइटी थी, तो वो उनमें कम जाने लगे थे, बिकॉज वो उन्हें लग रहा था कि ये लोग धर्म से भटक गए हैं, इनके साथ मेरा कोई नाता नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं हैं, इनकी संगत में रहना अच्छी बात नहीं है, मैं भी धर्म से भटक जाऊंगा, या मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं ऐसे लोगों की संगत में जाऊं। तो उनके मन में व्यथा होती थी। पहली बात, उनको वो अपने पेरेंट्स, अपने सगी संबंधी, रिश्तेदार, रिलेटिव, नियर एंड डियर, किथ एंड किन, सभी याद आते थे जो मारे गए थे इनके द्वारा बाय नाजीस। तो उसके कारण टेंशन में, स्ट्रेस में रहते थे। अब लोग ऑफ ट्रैक जा रहे थे फ्रॉम ज्यूइश रिलीजन, तो उसके कारण वो थोड़ा और डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रहते थे। तो उनको एक वेडिंग का कार्ड आया बेटा, शादी का कार्ड आया, जो ब्राउन्सविल में शादी होने वाली थी, कि डॉक्टर साहब आप पहुंचे। वो इम्पॉर्टेंट शख्सियत थे, उनको उस सोसाइटी में सिंसिमन में बहुत बार प्राइज मिल चुके थे, यानी कि उनका एक अच्छा खासा ओहदा था, एक अच्छे खासे पद पर एक स्टेटस था उनका अपना, ठीक है। तो बेटा उस कारण उनको इन्विटेशन लेटर आया। ग्रेटल को ये पता था कि मेरा पति बहुत सुलझा हुआ इंसान है, सीरियस रहता है, उसको ऐसे पार्टियों में, शादियों में जाना पसंद नहीं है, तो लेकिन वो चाहती है कि वो वहाँ जाए। तो वो सीधा यही पूछती है भी, आपके लिए कौन सा शर्ट निकालूं, कौन सा शर्ट प्रेस करूं, कौन सा शर्ट पहनने वाले हो, कौन से कपड़े, कौन से जूते, सीधे मुद्दे पर आती है। तो ये बातचीत दिखाई गई है एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन किया गया है कि वो चाहती है कि वो वहाँ जाए, यानी कि थोड़ा सा उसको अच्छा लगे। वो चाहती नहीं है, ऐसा नहीं चाहती कि वो सोसाइटी से टूट ही जाए, क्योंकि लोग पीठ के पीछे तो बातें करते हैं कि ये अपने आप में बना फिर रहा है, इसको ही लग रहा है कि यही धर्म चला रहा है, ये अपने आप को ज़्यादा सियाणा समझता है। तो ऐसा नहीं है, लोग पीठ के पीछे काटते हैं, तो उसको वो काटते थे लोग, तो उसको ये बात पता था कि मुझे पसंद नहीं करते, मेरे सामने तो हंसते हैं, क्योंकि इसका एक स्टेटस था, इसका एक वैल्यू थी, उसके कारण इसके सामने तो चुप रहते थे लेकिन पीठ के पीछे बातें करते थे। तो वो शादी में जाते हैं, अपनी बड़ी मर्सिडीज कैडिलैक में नहीं जाता, अपनी जो भी उसके पास बड़ी कार रही होगी उसको लेकर नहीं जाता। स्नो का टाइम था, बर्फ पड़ रही थी, तो खुद ड्राइविंग में रिस्क था, तो उसने एक टैक्सी वाले को आ दिया, टैक्सी रुक भी गई। इस सस्पिशन में था कि वो कार जाएगी या नहीं जाएगी, he was suspicious about that, but the taxi driver showed his consent that he will go, मतलब वो राजी हो गया। और इसी खुशी में डॉक्टर साहब ने उसे $1 की टिप भी दे दी, उस टाइम पे $1 की वैल्यू थी बेटा, ठीक है, टिप भी दी गई। तो जब वो रास्ते में जा रहे हैं, तो उनको एकदम धमाके की आवाज सुनती है, जैसे एक्सीडेंट हुआ हो, कोई बड़ा लोहा दूसरे लोहे से टकराया। धमाके के बाद सीधी जब उनकी आंख खुलती है, तो आसपास में एम्बुलेंस होती है, लोग हफड़ा दफड़ी में इधर उधर भाग रहे होते हैं, ठीक है। तो कोई उनके जैसा ही आदमी, जैसे मार्गोलिन ने खुद कपड़े पहने हुए थे, उनके जैसे ही किसी आदमी को स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है उनके सामने। तो मार्गोलिन को लगता है शायद ये आदमी भी उसी तरफ किसी शादी में जा रहा था जहां मैं जा रहा था, बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, उसको एम्बुलेंस में ले जा, स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में डाल रहे होते हैं। तो फिर ब्राउन्सविल शादी में पहुंच जाते हैं डॉक्टर मार्गोलिन, ध्यान से सुनो स्टोरी। वो शादी में पहुंच जाते हैं, वहां पहुंचते हैं, अपना वो लॉन्ग कोट उतारते हैं, साइड में रखते हैं, अपनी जो हैट उतारते हैं, वो ज्यूश की स्पेशल हैट होती है बेटा, काइंड ऑफ जैसे मुस्लिम्स लेते हैं उसी तरह की कल काइंड हैट होती है, छोटी सी टोपी होती है, उसको भी साइड में। तो फंक्शन में उन्हें बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ पुराने, कुछ
उम्र दराज एज्ड पर्सन यंग जनरेशन नाच रहे होते हैं, कुछ ऑलरेडी फुल ड्रंक होते हैं, कुछ अभी मजे ले रहे होते हैं, कुछ अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं, सब अपने मजे में लगे हुए हैं, यानी कि कोई भी मॉरल वैल्यूज को फॉलो नहीं कर रहा, वो बुरा लगता है लेकिन जाते हैं। तो सभी को मिलते मिलते फॉर्मेलिटी कर रहे थे, सभी को मिलते मिलते उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। वो जोर डालते हैं और वो जाना पहचाना चेहरा जब उनको याद आता है कि वो कौन था, वो कौन था, राइजल का चेहरा। वो उतनी उम्र दराज अभी नहीं हुई थी, ठीक है, वो उसके चेहरे पर एज शो नहीं हो रही थी, तो वो राइजल को देखते ही एक्साइटेड हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं, परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, एंड ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, और वो जल्दी से उसकी बाजू पकड़ता है एंड उसको साइड में ले जाता है। यानी कि उसका पहला प्यार था, अब उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करूं, इतने सालों के बाद उसको मिली है और उसे सुनने में आया था कि उसको गोली लगी थी, उसके दिमाग में चल रहा है भी ये तो जिंदा है, काश मैंने पता कर लिया होता अच्छे से कि इसको तो गोली नहीं लगी है तो जिंदा है। राइजल उसको कहती है तुम्हें किसने कहा अभी मेरे को गोली लगी है, मैं तो ठीक ठाक हूं। यानी कि उसको साइड में ले जाता है, साइड में कहां लेके जाता है बेटा, साइड में आप कह लो हिंदी में उसे मंडप कहते हैं, कैनोपी लगी होती है, एक वेडिंग कैनोपी, ठीक है, मंडप टाइप, जहां उनकी शादी होनी थी, यानी कि जिस शादी पर वो गया था वहां शादी होनी थी, वो अभी साइड पे जगह खाली थी, उसके पहले पार्टी चल रही थी, वहां कोई नहीं था। वो बाजू पकड़ के राइजल को वहां ले जाता है, राइजल से पूछते तुम तो मर चुकी हो, वो कहती तुम्हें किसने कहा मुझे गोली लगी है, मैं तो जिंदा हूं ठीक ठाक हूं। तो वो अपनी किस्मत को कोसता है कि काश मैंने पता कर लिया होता कि तुम जिंदा हो, ठीक है। तो वो अपनी किस्मत पर या अपने फैसले पर चिंता जाहिर करता है, ठीक है, कंफ्यूज होता है, अपने आप पे गुस्सा करता है, चिड़चिड़ापन दिखाता है, लेकिन फिर बाद में उसे राइजल को कहता है कि तुम ठीक हो, तो बाद में से कहता है कि क्या हम फिर से शादी कर लें, मैं अभी कुवारा हूँ। कुवारा कहने का मतलब अभी तक मेरी अकॉर्डिंग टू ज्यूइश रिचुअल्स शादी नहीं हुई है। कहने का भाव वो कह रहे हैं कि जो ग्रेटल है वो वाइफ तो है मेरी, लेकिन शी इज जर्मन, वो ज्यूइश नहीं है, ज्यूइश रिचुअल्स के अकॉर्डिंग मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ। यानी कि वो धर्म के अकॉर्डिंग अभी तक वो आपस में शादीशुदा नहीं है, समाज में यानी कि वो अकॉर्डिंग टू पेपर्स, कागजों पर वो शादीशुदा है, लेकिन रिलीजियस रिचुअल्स के अकॉर्डिंग वो अभी शादीशुदा नहीं है, तो वो अभी राइजल से शादी कर सकता है, तो वो चाहता है कि वो उसे शादी करे। तो एज अ रिचुअल वो अपनी जेब से एक पेनी निकालने की कोशिश करता है, सिक्का, तो जब वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो ही फाउंड दैट हिज वॉलेट इज मिसिंग, उसका जो पर्स है वो मिसिंग है, वो नहीं मिल रहा। वो देखता है मेरा पर्स कहाँ गया, फिर वो याद करता है कि मैंने उसको $1 टिप दी थी, मेरे को नहीं देनी चाहिए थी, फिर वो याद करता है वो बात कहाँ थी, वो धमाका हुआ था, फिर वो एकदम सोचने लग जाता है कि क्या हुआ। फिर वो राइजल की तरफ ध्यान से देखता है, उसका चेहरा देखता है, और उसके चेहरे की तरफ जब देखता है तो उसको लगता है कि जैसे मैं राइजल को पहले देखा था इतने साल पहले, वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो अब वो राइजल से क्वेश्चन पूछता है कि तुम राइजल नहीं हो, बिकॉज अगर रियल राइजल होती तुम बूढ़ी हो चुकी होती, जैसे मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तुम राइजल नहीं हो। तो वो कहती है कि मैं राइजल ही हूं। तब वो भाई साहब दोबारा याद करते हैं, वो अपने आप को महसूस करने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं भी असली वाला हूं। तो वो सांस लेने की कोशिश करते हैं, वो सांस नहीं ले पाते हैं, वो महसूस नहीं कर पाते हैं कि उनका जो वॉलेट है वो कहाँ है। फिर वो रिमेम्बर करते हैं कि वो धमाका हुआ था, उस आदमी को स्ट्रेचर पर लेके जाया जा रहा था, वो कहीं मैं ही तो नहीं था। अब सिचुएशन चेंज हो रही है, यानी कि उसको लग रहा है कि वो जो आदमी मरा वो कौन था, वो मैं ही था, वो स्ट्रेचर पर वो मेरी तरह जो कपड़े पहने हुए शादी पे जा रहा आदमी का एक्सीडेंट हुआ वो मैं ही था। ये राइजल यहाँ पैसे आई, हो सकता है राइजल भी इस बात पर यकीन ना कर रही हो कि उसको गोली लगी थी, उसकी आत्मा भी यहाँ भटक रही हो,
और उसी राइजल के पीछे, उसी डिप्रेशन एंड स्ट्रेस के पीछे मार्गोलिन की आत्मा भी भटक रही है। और जैसे ही उसको ये क्लियर होता है कि ये राइजल असली वाली नहीं है, ये राइजल की आत्मा है, उसी वक्त उस लड़की का बाप जिस शादी में गए थे उस लड़की को लेकर उस हॉल में आ रहा होता है। और यही आपकी कहानी समाप्त होती है। दिस इज अ एंड लाइक बिल्कुल जैसे हॉलीवुड मूवीज में होता है कि सस्पेंस पर छोड़ दिया गया है। और ऐसी सस्पेंस वाली स्टोरीज लिखने के कारण ही आइजैक वॉशेविस सिंगर को नोबेल प्राइज मिला था। तो यानी कि इस कहानी में ये अनक्लियर है कि वो सोलोमन रियल में मरा था, वो राइजल जिंदा थी, या सच में उसकी आत्मा भटक रही थी। तो इससे ही रिलेटेड आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे। दैट्स द एंड ऑफ योर स्टोरी। थैंक यू स्टूडेंट।